हे एवरीवन, कैसे हो आप? सबसे कुछ वापस से आ चुके पबजी मोबाइल के न्यू इवेंट के साथ। और कुछ दिन मैं ये चैनल से ब्रेक लिया था क्योंकि आपको पता है बीजीएमआई जस्ट लॉन्च हुआ, तो उसमें ज़्यादा फोकस करना पड़ रहा था। बट बैक टू नॉर्मल, अभी जैसे जैसे इवेंट्स आते रहेगा अलग अलग रीजन में वीडियो कवर करते जाऊँगा। तो इधर आप देख पर अभी थाईलैंड इंडोनेशिया रीजन में एक इवेंट आया है, तो इसमें हम लोग इवेंट में क्लिक करते हैं और उसके बाद आप देखो हॉट में क्लिक करेंगे, उसके थोड़ा नीचे चलोगे तो इधर आप देख पा रहे डेली ब्लेसिंग कार्ड्स नाम का एक इवेंट आपको दिखाई दे रहा है। ये इवेंट का टाइम पीरियड आप देख पा रहे हो 30 मई से लेकर 12 जून तक ये इवेंट चलने वाला है। इसमें हम लोग गो में क्लिक करते हैं और जैसे आप गो में क्लिक करोगे तो आपको ये इंटरफेस दिखाई देगा। और पहले मैं आपको कार्ड सिस्टम एक्सप्लेन कर देता हूँ और उसके बाद धीरे धीरे आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो इधर आप देखते हैं पास्ट कार्ड मतलब पुराना कार्ड जो ऑलरेडी पार हो चुका है, उसके साथ साथ जो करेंट कार्ड है तो वो आपको दिखाई दे रहा है आपके स्क्रीन में। और राइट साइड में जो कार्ड दिखाई दे रहा है ये फ्यूचर कार्ड होने वाला, ठीक है? तो जैसे जैसे टाइम बीतेगा तो हर एक दिन आपको न्यू कार्ड मिलते जाएगा। जैसे आप देख पर आज 30 तो आपको ये कार्ड मिला है, रैंडम हो सकता है कल हम लोग को ये कार्ड मिलेगा, इसके अंदर रिवॉर्ड दिख जाएगा। तो इस हिसाब से आप देखो जितना दिन ये इवेंट चलेगा सब कार्ड आपको दिखाई देगा। और पीछे का जो कार्ड है ना वो ओपन करने के लिए आपको लकी यूजर बनना पड़ेगा। लकी यूजर वो रैंडम हो सकता है। अगर आप पीछे का कार्ड को भी ओपन करना चाहते हो, मान लो आप 12th जून में आ चुके और 11th जून का कार्ड ओपन करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको कुछ लकी होना होगा तभी जाके ओपन कर पाओगे, नहीं तो वो एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है? तो ऐसे किस्म पे वर्क करेगा, मैक्सिमम टाइम एक्सपायरी रहेगा। कुछ कुछ बंदे के लिए वो कभी कभी काम कर लेगा कि पुराना वाला रिवॉर्ड भी वो क्लेम कर सकते हैं, ठीक है? तो फिलहाल तो हम लोग करेंट वाला आ जाते हैं जो कि इधर आपको दिखाई दे रहा है। तो जैसे ही आप फर्स्ट टाइम डे का लॉगिन करोगे तो आपका कार्ड रिवील हो जाएगा और उसका रिवॉर्ड भी आपको दिख जाएगा कि आज के लिए क्या है। तो जैसे मैंने लॉगिन किया तो मुझे ओशन क्रिस्टल एक मिल गया। अब ये जो ओशन क्रिस्टल है ना, मैं ये तुरंत से कलेक्ट भी कर सकता हूं। इधर आप देखो कलेक्ट राइट अवे, जैसे मैं कलेक्ट करूंगा तो मुझे ये ओशन क्रिस्टल तुरंत इन्वेंटरी मिल जाएगा और आज का मेरा काम खत्म हो जाएगा। और उसके बाद कल हम लोग वापस आना, कल हम लोग रिवॉर्ड कलेक्ट कर सकते हैं। बट अभी मान लो आपको ओशन क्रिस्टल नहीं चाहिए या इसमें कुछ भी अलग रिवॉर्ड भी आ सकता है वो आपको नहीं चाहिए, आप चाहते हो कि आपका रिवॉर्ड है तो थोड़ा सा और अपग्रेड होकर अच्छा रिवॉर्ड मिले, तो उसके लिए आपको मिशन कंप्लीट करना होगा। जरा देखो कंप्लीट 2 मैचेस विथ फ्रेंड इन क्लासिक मोड। जैसे आप मैचेस कंप्लीट करोगे 2 मैच अपने फ्रेंड के साथ क्लासिक मोड में, तो आपका ये जो रिवॉर्ड है ना ये ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद भी आप कलेक्ट कर सकते हो। मान लो आपके पास टाइम नहीं है तो आप तुरंत कलेक्ट कर सकते हो, अभी कलेक्ट कर लो ये रिवॉर्ड। और अगर आपके पास टाइम है और आप चाहते हो कि ये जो रिवॉर्ड है इसको अपग्रेड करके कोई अच्छा रिवॉर्ड मिले, तो आप जो मिशन दिया गया उसको कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है? अब इसमें भी एक स्मार्ट वर्क आप कर सकते हो। इसमें ये है कि मान लो उस दिन आप बिजी हो और आप नहीं चाहते जो रिवॉर्ड दिखाई दे रहा है वो कलेक्ट करना नहीं चाहते हो और आपके पास टाइम भी नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, अपने कार्ड को अपने फ्रेंड को दे सकते हो। जी हाँ, आप अपना कार्ड को फ्रेंड को दे दो, वो आपके बिहाफ में मिशन कंप्लीट कर देगा और आपको रिवॉर्ड मिल जाएगा, उसको भी बेनिफिट मिल जाएगा। टोटल आप 5 बंदे का कार्ड खुद भी ले सकते हो, दूसरे को दे भी सकते हो, ठीक है? जो बंदे आपको कार्ड देंगे तो वो आपको इधर दिख जाएगा लिस्ट में, उसका मिशन सबको भी आप कंप्लीट करके एक्स्ट्रा रिवॉर्ड भी अर्न कर सकते हो, ठीक है? फिलहाल कोई भी मुझे कार्ड नहीं दिया, 5 कार्ड आपको एक दिन में मिल जाएगा। यू कैन ओनली सेव अप टू 5 ऑफ योर फ्रेंड्स कार्ड, तो 5 कार्ड हम लोग सेव कर सकते हैं, उसके ज़्यादा हम लोग नहीं कर सकते, मिशन कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है? तो ऐसे करके आप दूसरा का भी हेल्प कर सकते हो, अपना कार्ड को भी दूसरा को दे सकते हो, सो डैट वो आपके लिए हेल्प भी कर सकता है, खुद भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? वो चीज़ आपको समझ में आ गया। तो जैसे जैसे ये कंप्लीट करते जाओगे डेली बेस में तो आपको ये प्रोग्रेस बार आपको दिखाई दे बढ़ते जाएगा, और जैसे 11 कंप्लीट हो जाएगा ना तो आपको ये वाला टाइम लिमिटेड आउटफिट मिल जाएगा। इधर आप देख पा रहे आउटफिट एंड हेड गियर आपको टाइम लिमिटेड मिल जाएगा। जैसे आप 11 बार ये चीज़ कर ले तो टोटल 14 बार हो सकता है, बट आप 11 बार भी करोगे तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ आपको मिल जाएगा, ठीक है? होपफुली ये इवेंट समझ में आ गया। फ्रेंड लिस्ट में आप देख पर कोई भी फ्रेंड को आप अपना कार्ड को गिफ्ट कर सकते हो और उसके साथ साथ मिशन भी कंप्लीट कर सकते हो, वो आपके ऊपर कंप्लीटली डिपेंड है। फिलहाल हम लोग इसको कलेक्ट कर लेते क्योंकि ये अकाउंट में खेलूंगा नहीं, तो इधर मैं तुरंत कलेक्ट करूंगा। तो इधर आप देख पाए लिखा हुआ रिवॉर्ड कैन बी अपग्रेड बाय कंप्लीटिंग मिशन, कलेक्ट द नॉन अपग्रेड रिवॉर्ड एनीवे। तो अगर आप जैसे ही बताया कि अगर आप मिशन कंप्लीट करोगे तो आपको अपग्रेडेड वर्जन वाला रिवॉर्ड मिलेगा। अभी फिलहाल मैं कर नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कोई फ्रेंड नहीं है अकाउंट में, तो ऑटोमेटिकली मैं इसको कलेक्ट कर लेता हूँ, मुझे ये मिल गया, ठीक है? तो आप देख पर ये कार्ड का खत्म आज, और दोबारा मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर मेरा फ्रेंड कोई कार्ड दे तो उसका मैं हेल्प कर सकता, अपना वाला मिशन आज नहीं कर पाऊंगा, कल मुझे आना होगा तब जाके ये खुलेगा, तब मैं देख सकता हूँ कि वो अपने फ्रेंड को दूँ या उसको अपग्रेड कर सकता, वो मेरे ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है? समझ में आ गया। तो ऐसे करके हर एक दिन ये होगा और आपको एक एक करके कंप्लीट करना होगा और ये इवेंट ऐसे ही होगा, ठीक है? तो चलो ये वीडियो के इतना रखते हैं, शॉर्ट एंड सिंपल। होपफुली आपको ये इवेंट समझ में आ गया। चैनल पर नया आएगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पबजी का कोई भी रीजन का इवेंट आएगा ना तो मैं उसको कवर करूंगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।